वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। मेरा नेम इज गौरव। दोस्तों आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो आप सबकी रिक्वेस्ट पर बनाई गई है। आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं ITI फ्यूचर ट्रेड पर वीडियो बनाकर लेकर आऊँ। आप अगर मेरी वीडियोज़ को रेगुलरली देखते हैं तो आप जानते होंगे 2018 में भी मैं आपके लिए मैं फ्यूचर ट्रेड पर वीडियो लेकर आया था कंप्लीट तरीके से, लेकिन वो वीडियो हो गई थोड़ी पुरानी। अब 2019 में बच्चे कमेंट पे कमेंट करने लग गए कि सर हमें फ्यूचर ट्रेड पर वीडियो चाहिए, तो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आ गया हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद आपके लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पर वीडियो लेकर आ जाऊँ। और आपको बता दूँ, ये जो फ्यूचर ट्रेड होती है कोई ऐसी वैसी ट्रेड नहीं होती। पहली बात, इसमें एडमिशन लेने के लिए अराउंड आपके 10th क्लास में 75% मार्क्स होने चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा कि आपके लिए जो अप्रेंटिसशिप्स निकाली जाती है, चाहे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो चाहे वो प्राइवेट डिपार्टमेंट हो, फिटर वाले बच्चों को मौका दिया ही जाता है। 90% चांस होते हैं कि वहाँ पे फिटर की रिक्वायरमेंट हो, क्योंकि फिटर की जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। अगर आप सही रास्ते पर जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिटर ट्रेड का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ फ्यूचर ट्रेड का क्या यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो भाई कंटेंट की बात करते हैं। कंटेंट में मैं आपको डेफिनेशन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा, ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप स्टडी मटेरियल की डिमांड करते हैं तो वो भी बहुत ही कम कोर्स पे आपको प्रोवाइड किया है। जो बच्चे फिटर SCVT से करते हैं उनको CATS करने का मौका कैसे दिया जाता है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। और ये CATS क्या होता है एक्चुअल में, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। छठा, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा, फी स्ट्रक्चर आपका क्या होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट का, विथ सर्टिफिकेट NCVT SCVT कौन सा बेटर है, अप्रेंटिसशिप के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, स्टाइपेंड आपको कितना यहां पर दिया जाता है। दसवां, आपको सीखने को क्या क्या मिलेगा, पूरा आपको सेमेस्टर वाइज सिलेबस में दिखा दूंगा। ग्यारहवा, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के क्या ऑप्शंस हैं। बारहवा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के क्या ऑप्शंस हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या ऑप्शंस हैं यानी बिजनेस के, फॉरेन जॉब के क्या ऑप्शन है, इस पर मैं कम जो है डिस्कशन करूंगा। और भाई एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपके आसपास आपका दोस्त कोई ऐसा व्यक्ति है जो फ्यूचर ट्रेड से ITI कर रहा है या कर चुका है या फ्यूचर में करने की सोच रहा है, तो एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उसे फ्यूचर की नॉलेज हो जाए कि एक्चुअल में ट्रेड होती क्या है। बढ़ते हैं आगे, सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन पे बात करूंगा। डेफिनेशन देखो भाई, ये जो फ्यूचर ट्रेड होती है, आपने देखा होगा कि ये जो ITI होती है ना, ITI को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, एक तो इंजीनियरिंग और एक नॉन इंजीनियरिंग, और ये जो फ्यूचर ट्रेड है ये आती है इंजीनियरिंग कैटेगरी में। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। अ पर्सन हु पुट्स टुगेदर और इंस्टॉल्स मशीनरी, इंजन पार्ट्स और अदर इक्विपमेंट, ऐसा व्यक्ति जो इंस्टॉल करता है मशीनरी इंजन पार्ट एक साथ, तो उसको आप फिटर की यहाँ पर डेफिनेशन में जोड़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेकंड वाली यूज़ करें जो लेंदी है। फिटर इज एन इंजीनियरिंग ट्रेड इन ITI, इट डील्स विद असेंबलिंग मैन्युफैक्चरिंग विच फिट ईच अदर इन एन असेंबली, ठीक है। तो ये वाली तो आप इजीली समझ गए होंगे। ड्यूरेशन 2 साल का कोर्स होता है, 4 सेमेस्टर में डिवाइड होता है। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपके स्टेट में ऐसा हुआ है कि फिटर ट्रेड को सेमेस्टर वाइज से हटा दिया गया है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना ताकि मुझे थोड़ा पता चल सके और अदर बच्चों को भी यहाँ पर पता चल सके किस स्टेट में ऐसा हुआ है। देखो भाई, ये जो आपकी फिटर ट्रेड होती है दो तरीके की होती है, एक SCVT में, एक NCVT में। NCVT में आपको सेमेस्टर तौर पर हायर किया जाता है, SCVT में आप लोगों को यहाँ पर ईयरली वाइज पेपर देने के लिए हायर किया जाता है। ट्रेनिंग 6 घंटे की आपकी ट्रेनिंग होती है, एक दिन में 4 घंटे का आपका प्रैक्टिकल पे फोकस होता है, 2 घंटे थ्योरी और अदर एक्टिविटीज़ पे आपका जो है फोकस किया जाता है, ठीक है। जो मैंने जो इतना पार्ट आपको समझाया। नेक्स्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप फिटर ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 10th क्लास में आपका मैथमेटिक्स और साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर आप मेरिट बेस पे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो फिटर ट्रेड में एडमिशन के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्जाम दिलवाते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं आपका अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता तो आपको मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाता है। 90% एरियाज में यही होता है कि कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, ओनली मेरिट के बेस पे आपकी 10th की परसेंटेज के बेस पे सिलेक्शन होता है। और जो फिटर ट्रेड है अराउंड आपके 75% मार्क्स हैं, तो आपका दूसरी और तीसरी काउंसलिंग में नंबर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपके 80 से अबव हैं तो फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नंबर आने की पॉसिबिलिटी रहती है। फी की बात करें, गवर्नमेंट में आपके 2-3 हज़ार लग जाते हैं, लेकिन प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट जो डिपार्टमेंट होते हैं बच्चों से 50,000
70,000-1,00,000 तक चूस लेते हैं और हेल्प के नाम पर कुछ मदद नहीं करते हैं। इसलिए मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आपकी परसेंटेज ज़्यादा है तो आप प्राइवेट में ना अप्लाई करें, अगर आपकी परसेंटेज कम है तो ही आप प्राइवेट में जाने की सोचें, ठीक है। बाकी जब आपके एडमिशन होने वाले हैं, आपको पता है मैं फॉर्म और एवरीथिंग आपको प्रोवाइड करूँगा, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और सर्टिफिकेट की बात करें भाई, देखो ऑलवेज NCVT एक नेशनल लेवल का जो है आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, SCVT में आपको स्टेट लेवल का दिया जाता है। डिमांड NCVT वालों की है, इसमें मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा, कहीं SCVT वाले बच्चे सोचे कि हमारे लिए कुछ नहीं है। देखो भाई, अब मैं जानता हूँ कि बच्चों को अवेयरनेस मिली है कि SCVT और NCVT दो तरीके की ट्रेड होती है, मतलब दो तरीके के सर्टिफिकेट्स होते हैं। पहले तो बच्चे बस एडमिशन ले लेते थे, जब से मेरा चैनल आया ITI वाले बच्चों के लिए या फिर किसी और का आया, मैं अपनी यहाँ पर तारीफ नहीं करूँगा, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिली है कि एक्चुअल में ये NCVT SCVT होता क्या है। एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर कि NCVT SCVT में डिफरेंस क्या है, बहुत बच्चों ने इसे सपोर्ट किया, सो थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए। अप्रेंटिसशिप भाई देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से अप्रेंटिसशिप में लग चुके हैं और करके घर पे बैठे हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हुए हैं जो मेरे चैनल के माध्यम से अप्रेंटिसशिप करने के बाद बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो भाई देखो, ये हर फील्ड में होता है, ऐसा नहीं होता कि ITI वाले बच्चों के साथ ही हो। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल एक डॉक्टर का एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ, जो MBBS करने के बाद बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँचे हुए हैं और जो MBBS करने के बाद बहुत ही छोटे लेवल पे पहुँचे हुए हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हर फील्ड में होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुँच जाते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कुछ करने के बाद अच्छे लेवल पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो ये आप लोगों के टैलेंट पे, एवरीथिंग आपके टैलेंट पे डिपेंड करते कि आपने क्या क्या चीज़ें की हुई है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। देखो भाई, अप्रेंटिसशिप करना कोई बेकार नहीं होता, ये हाँ ये डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। अगर आप किसी प्राइवेट घटिया डिपार्टमेंट से करोगे तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप रेलवे से करते हैं, ONGC हो गया, IOCL हो गया, HAL हो गया, BHEL हो गया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं, अगर आप यहाँ से अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आप लोगों को बेनिफिट होता है। नंबर वन पे रेलवे आता है, उसके बाद ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ये आ जाते हैं। अब बात करते हैं भाई स्टाइफंड की। देखो भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग 8,000-9,000 रुपये आपको दिए जाते हैं अप्रेंटिसशिप पर अगर आप करते हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो ऐसे हैं, अपना कट काट के, मतलब आप लोगों को ठेकेदार के अंदर हायर किया जाता है, अपना काट के अमाउंट और आप लोगों को 5,500 से 6,500 के बीच में बस प्रोवाइड करते हैं। तो ये आपको देखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। अब बात करते हैं कि फिटर वाले बच्चों को CITS में मौका दिया जाता है या नहीं दिया जाता जो SCVT से करते हैं। देखो भाई, NCVT वालों को तो दिया जाता है, लेकिन जो SCVT वाले बच्चे हैं अगर ये पहले अप्रेंटिसशिप करते हैं तो ही आपको मौका दिया जाता है, चाहे आप प्राइवेट से करें चाहे गवर्नमेंट से करें। तो देखो भाई, ये CITS एक्चुअल में होता क्या है, आपने देखा होगा एक ITI टीचर बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये आपने देखा होगा कि आपने जो है अपने ITI इंस्टीट्यूट में आपके जो गुरुजी हैं, जो आपके ITI टीचर हैं, वो कैसे बन गए ITI टीचर। सो मैं बात करता हूँ एक स्कूल की, एक स्कूल का टीचर बनने के लिए आप लोगों को क्या रिक्वायरमेंट रहती है। BEd किया होना चाहिए, CTET किया होना चाहिए, उसके बाद आपके फॉर्म्स निकलते हैं, वो आप क्लियर करते हैं तो आपकी जो है नौकरी लगती है। इसी तरीके से आपको एक ITI के टीचर बनने के लिए CITS करना पड़ता है, CITS करने के बाद आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट के लिए चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए एज अ गेस्ट टीचर। उसके बाद उसी तरीके से फॉर्म निकलते हैं जिस तरीके से जॉब्स के निकलते हैं, और अभी हरियाणा झारखंड में फॉर्म्स निकले थे, मैंने वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म को फिल किया। तो इसी तरीके से फॉर्म्स निकलते हैं, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है CITS करने के बाद, जो 3 से 5 साल की मांगी जाती है। सो आई होप आपको CITS समझ आ गया होगा। कुछ बच्चे CITS को CTI भी बोलते हैं, तो कुछ गलत कहना नहीं है, दोनों ही सेम चीज है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, व्हाट टू चूज। भाई देखो, बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिसमें हर तरीके का फिटर ट्रेड आपको मिलेगा, सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, मरीन इंजीनियरिंग फिटर, मरीन फिटर, इलेक्ट्रिकल फिटर, बॉयलर फिटर। देखो भाई, ये जो फिटर है ये अलग अलग कैटेगरी होती है। अगर आप फिटर जनरल से करते हैं तो इन सब में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल फिटर बॉयलर से करते हैं तो सिर्फ आप जो है इसी में अप्लाई कर पाएंगे, इनमें नहीं कर पाएंगे। यानी जो सबसे मेन ट्रेड है आपकी फिटर जनरल है, हर स्टेट में आपको फिटर जनरल मिलता है, लेकिन मोस्टली इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पर आपको ये ट्रेड्स नहीं दिखेगी, ठीक है। तो जब मैं आपके लिए फॉर्म्स की वीडियो लेकर आऊँगा, डिटेल वाली वीडियो लेकर आऊँगा 2019 में जो ITI एडमिशन होंगे, तब मैं इस पर डिस्कशन करूँगा। और भाई देखो, प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट कौन सा इंस्टीट्यूट बेटर है। भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बेटर है, फी भी कम लगती है,
सिखाया भी अच्छा जाता है। ऐसे नहीं है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको ना सिखाया जाए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में देखो पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और सिखाया जाता है, इक्विपमेंट भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं इतना जो है यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि आप जाकर प्राइवेट से करें जब गवर्नमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल है। प्राइवेट में तब आप जाएँ जब आपकी परसेंटेज 50 या 60 के बीच में है और आप किसी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो यहाँ पर गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं ले पाता, ठीक है। सो प्राइवेट का मैं इतना जो है यहाँ पर फेवर नहीं करूँगा, गवर्नमेंट का ही फेवर करूँगा। अगर इसमें नहीं मिलता मौका तो फिर आप प्राइवेट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कुछ जो है आपको सीखने को चीज़ें मिलेगी इंग्लिश में, मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया हुआ है, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर आपको बता दूँ ये 16 पॉइंट मैंने मेंशन किए। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है, पर सेमेस्टर। बाकी अगर आपके पास कोई और सब्जेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना ताकि बच्चों को पता चल सके। सेमेस्टर वाइज की हम बात करते हैं तो सेमेस्टर का सिलेबस मैंने कंप्लीट यहाँ पर दे रखा है, आप देखें तो यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक सेमेस्टर वाली बुक आपको प्रोवाइड करूँगा बाद में। तो सेमेस्टर वन में क्या होता है देख लें, सेमेस्टर टू में क्या होता है देख लें, सेमेस्टर थ्री में क्या होता है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, सेमेस्टर फोर में क्या होता है ये आप देख लें, ठीक है। अच्छे से इसे पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है, आपको 2019 में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो भाई, स्टडी मटेरियल की बात करूँ तो आप सबकी डिमांड पर मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया स्टडी मटेरियल का, क्या क्या मैं बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्राइस इसका 116 था लेकिन मैंने कम कर दिया, 92 यानी 92 रुपीज़ में आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको करीबन 4000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे, इसमें इंग्लिश और हिंदी आई थिंक दोनों में अवेलेबल है, ज़्यादा हिंदी में, इंग्लिश में कम है। इसके साथ अगर आप ये परचेस करते हैं तो ये मैं आपको फ्री में दूंगा, जो पूरी जो है फिटर वाले बच्चों के लिए एक कह सकते हैं कि बुक है। और उसके बाद जो यहाँ पर ये इंटरव्यू के लिए मैं आपको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगा जो इंग्लिश में, ये हिंदी इंग्लिश में, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में, ठीक है। अगर आप ये परचेज़ करते हैं तो ये दोनों चीज़ आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद अगर मेरे पास फिटर वाला मटेरियल आता है सेमेस्टर का तो वो भी मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करूँगा, लेकिन आपको पहले परचेज़ करने पड़ेगा ये। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और ऐसी वैसे कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, बेनिफिट होगा, यकीन कीजिए। पहले भी बच्चे ये स्टडी मटेरियल लेके IOCL में सिलेक्ट हुए हैं, ONGC में सिलेक्ट हुए हैं, और आप लोगों को कोई फोर्स नहीं है, आप लोगों की मर्जी है परचेज़ करना और ना परचेज़ करना, ठीक है। तो कैसे परचेज़ करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जैसे उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही आप ये 92 रुपीज़ पे करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस ओपन होगा जिसमें नेम, ईमेल आईडी गलत मत लिखना, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे, पेमेंट करते ही आपके सामने डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, आपकी मेल आईडी पे आपका इनवॉइस और फाइल भी आ जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी, और ये आपके इन एग्ज़ाम में मदद करेंगी बहुत ज़्यादा। अगर आपको यकीन है तो परचेज़ करें, अगर नहीं है तो किसी को फोर्स मैं नहीं करूँगा। इतनी कम कॉस्ट पे करीबन मैं 700 रुपये का मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। सो आगे बढ़ते हैं, ये इस तरीके से आपका इनवॉइस आएगा जब आप पेमेंट कर देंगे आपकी मेल आईडी पे। यहाँ पर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आप वेल्डर फिटर बन सकते हैं, पाइप फिटर बन सकते हैं, मैकेनिकल फिटर बन सकते हैं, टेक्निकल असिस्टेंट फिटर बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्लांट मेंटेनेंस फिटर बन सकते हैं, लेद मैकेनिक फिटर बन सकते हैं, और आपके जो डिपार्टमेंट है BHEL में आप जा सकते हैं, ONGC में जा सकते हैं, HAL में जा सकते हैं, IOCL में जा सकते हैं, ठीक है। आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें, रेलवे है, NTPC है, ONGC है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहां पर आप लोगों को मौका दिया जाता है। और ये मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले भी बताया, फिर से बता दूं, फिटर ट्रेड कोई ऐसी वैसी ट्रेड नहीं है, यहां पर आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता है लाइफ में अगर आप अपना करियर सही दिशा में लेकर जा रहे हैं तो। बाकी अगर आपके मन में है ITI टीचर बनना तो अभी रिसेंटली CITS के फॉर्म्स निकले हुए हैं, उसका फॉर्म आप फिल करो, आप लोगों को यही बोलूँगा। लेकिन अगर आपके पास गट्स है किसी को पढ़ाने के तो ही, ठीक है, ऐसे मत कर देना। और ये कुछ स्किल्स है जो आपको रिक्वायर्ड होती है एट द टाइम ऑफ किसी कंपनी को ज्वाइन करने में, ठीक है। इतनी इसे छोड़ दें, ये वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ऊपर के जितने भी पीछे वाले पॉइंट बताए इनको देखना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, ठीक है। सेल्फ की बात करते हैं, फॉरन की बात करते हैं। सेल्फ भाई देखो, ये जो फिटर ट्रेड होती है ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पर आपको जो है फिटर ट्रेड की रिक्वायरमेंट ना पड़े। कंपनी को फिटर की जो है रिक्वायरमेंट होती होती है, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, पहले ही बता दूं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की मैं बात करूं तो भाई देखो, फिटर ट्रेड एक ऐसी है
कि एक अर्बन क्लैब आपने सुना होगा, आप लोग अपने आप को अर्बन क्लैब पे रजिस्टर करवा सकते हैं इस टाइम पर, और आप लोग रजिस्टर करवा के उनको सर्विस प्रोवाइड करके और आप जो है कमीशन बेसिस पे काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का शॉप खोल सकते हैं, आप जो है जो भी पार्ट्स होते हैं फिटिंग के, आपने एक बात करूँ तो आपने एक चीज़ देखी होगी, एक शॉप होती है मैंने हार्डवेयर शॉप की दुकान खोल सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। आजकल तो लोन की भी सुविधा इतनी है, अगर आप अपने बिजनेस को ओपन करने जा रहे हैं, बिजनेस की रिक्वायरमेंट है आपको, अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं फ्यूचर में, तो आप लोगों को यहाँ पर सरकार भी लोन दे देती है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको जो है हाथ पैर मारने पड़ते हैं, धक्के खाने पड़ते हैं, तब जाके आपको मिलता है। फॉरेन जॉब के लिए मैं पहले बता दूं, दुबई में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं क्यों बच्चों को ये बोलूं कि दुबई में जाके वो इस तरीके का काम करें अगर उनके स्टेट में सारी चीज़ें अवेलेबल है तो, उनके देश में सारी चीज़ें अवेलेबल है तो, ठीक है। सो आई होप कि ये फिटर की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो कमेंट बॉक्स में मैंशन करना, ताकि मैं फिर से प्रॉपर अरेंजमेंट के साथ, प्रॉपर मिस्टेक प्रूफिंग के साथ, जो जो मैंने गलतियाँ की है, एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूँ, सारी गलतियों को हटा के वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस ट्रेड पर चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं कोशिश करूँगा कि उस ट्रेड पर आपको वीडियो बना के दे सकूँ। स्टडी मटेरियल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है फिटर का, जो आपको डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में और आपके सेमिस्टर टाइम पर मदद करेगा। धन्यवाद। अंत में एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल उन बच्चों के साथ शेयर कर देना जो 2019 में ITI करना चाहते हैं।